हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट आईएएस। आई एम टेकचंद देशवाल। वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मशीन में हमने अभी तक काफी कुछ कवर कर लिया है, डीसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर्स, एंड नाउ वी आर ऑन द सिंक्रोनस मशीन्स। लास्ट क्लास हमने क्या किया था? इन लास्ट क्लास वी कंप्लीट अवर कोडिंग, ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग और फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग। आफ्टर दैट वी डिड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग, ओके, जिसमें मैंने निकाला था अपना डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या था मेरा, के डी इक्वल्स टू साइन एम बीटा बाई टू अपॉन में एम साइन बीटा बाई टू। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो मैंने आपको बताया था फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन बीटा बाई टू इक्वल्स टू बीटा बाई टू, सो इट इज साइन एम बीटा बाई टू अपॉन में एम बीटा बाई टू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके, दिस इज ऑल क्लियर टू यू, ठीक है। आफ्टर दिस माई नेक्स्ट टॉपिक इज आर्मेचर रिएक्शन इन ए सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, बड़े आराम से करेंगे, डोंट वरी। एक तो आपको नोट्स खोल के बैठने, ठीक है, नोट्स में देखते जाना, कुछ भी डिफरेंट लगे, वैसे डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ नोट्स में है। क्या हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। ओपन योर नोट्स और टेक वन वन और टू पेज एक्स्ट्रा बाय योर साइड। अगर आपको ड्रॉ करना हो, मैं बोलूंगा ड्रॉ करने के लिए, तो आपको उसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन। मैंने आपको डीसी मशीन में एक डेफिनेशन बताई थी आर्मेचर रिएक्शन की। व्हाट इज द आर्मेचर रिएक्शन? आर्मेचर और उसका रिएक्शन, जब मेरे आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, करंट आया तो मीन्स फ्लक्स आएगा, तो क्या होगा, मेरा आर्मेचर फ्लक्स जनरेट होगा। द इफेक्ट ऑफ माई आर्मेचर एमएमएफ और माई आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। देखो मेरा फील्ड फ्लक्स तो ऑलवेज होता है, एग्जिस्ट करता है, ये मेरा रोटर, सपोज ये मेरा रोटर है, ये सिलेंड्रिकल रोटर है मेरा, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर। यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे साउथ पोल बना, क्यों बना, आप करंट रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है। अपनी फिंगर से या फिर थंब से देख लो, थंब से देखोगे इस डॉट में, इस डॉट के लिए देखोगे आप, तो थंब को क्या है, आउटवर्ड, डॉट मीन्स इट इज कमिंग आउट। अगर आप ऐसे देखोगे तो योर फील्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा मेरा, सिंबल यहाँ पे क्रॉस है। अगर आप इस क्रॉस में देखोगे, क्रॉस मीन्स जो मेरा करंट है दैट इज गोइंग इन साइड, आप थंब को अपने अंदर पॉइंट करो, योर फील्ड विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ मेरा नॉर्थ बन गया, सिमिलरली यहाँ पे साउथ, इट इज ऑल नोन टू यू, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक जनरेटर। अब मैं देखता हूँ मेरा आर्मेचर रिएक्शन क्या है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स और आर्मेचर एमएमएफ ऑन द मेन फील्ड इज कॉल्ड माय आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे अपना देखना आर्मेचर रिएक्शन इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा, जीरो पावर फैक्टर लेग पे क्या होगा, जीरो पावर फैक्टर लीड पे क्या होगा, और मोटर में क्या होगा, और जनरेटर में क्या होगा। सारे केस देखूंगा मैं वन बाय वन, सो विल ड्रॉ द न्यू डायग्राम्स। आप नोट्स में देखते रहना, एवरीथिंग इज सिमिलर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन इन ए सिंक्रोनस मशीन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ओके, जैसे मैंने आपको हर टॉपिक बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। रिमेंबर इन थर्ड क्लास मैंने आपको बताया था ईएमएफ इक्वेशन इन ए सिंक्रोनस मशीन। थर्ड में बताया था क्या था, सपोज मेरा एक है स्टेटर, देखो मैंने स्टार्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे कंडक्टर डाला क्या ए, यहाँ पे मैंने डाला एक कंडक्टर ए डैश, ओके। इसे मैंने बताया आपको, एक रोटर है मेरा, ठीक है, सेलेंट पोल कंसिडर कर लो, सिलेंट पोल, सिलेंड्रिकल पोल, कैसा भी हो, जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। दिस इज माई रोटर, सो दिस इज माई नॉर्थ पोल, दिस इज माई साउथ पोल, ओके। एट टी इज टू जीरो माई रोटर इज एट दिस पोजिशन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, वी कंसिडर माई फ्लक्स लिंकेज, जो मेरा लैम्डा ए डैश है, फ्लक्स लिंकेज क्या आया था मेरा, एन फेज इंटू फाइव इंटू में कॉस ओमेगा टी। मेरा रोटर स्टार्ट करता है रोटेट करना एट स्पीड ओमेगा, क्या करेक्ट है ना, बिल्कुल। एट टी इक्व टू जीरो, एट टी इक्व टू जीरो, ओमेगा इक्व टू क्या मेरा जीरो, ठीक है, ओमेगा टी मीन जीरो मेरा, यहाँ पे जो ये ओमेगा टी है जो मेरा वो क्या है, एंगल आर्गुमेंट, ठीक है, ओमेगा स्पीड रोटेट कर रहा है, जो मेरा रोटेट करेगा दैट विल बी माई एंगल ओमेगा टी, ठीक है। एट टी इक्व टू जीरो माई ओमेगा टी इक्व टू क्या है जीरो, ओमेगा टी जीरो तो मेरा फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, इट विल बी मैक्सिमम। और मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली बताया था कि मेरा कोयल का प्लेन कैसा होगा, मेरा कोयल का प्लेन होगा लाइक दिस, यहाँ पे देखो मेरा कोयल का प्लेन होगा लाइक दिस, ऐसा प्लेन होगा, यहाँ पे मेरा ऐसे है मेरा पोल, ये मेरा नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जितना भी फ्लक्स आ रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स मेरी कोयल से पार होके जा रहा है, दैट मीन्स द एंटायर फ्लक्स इज क्रॉसिंग माई कोयल प्लेन, और कोयल प्लेन का मेरा पूरा फ्लक्स पास कर रहा है, दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर मेरा ये घूम के नॉर्थ पोल साउथ पोल घूम के मेरे आ जाते हैं इन दिस ओरिएंटेशन, उस टाइम पे क्या था मेरा
फ्लक्स लिंकेज क्या था, मिनिमम। क्यों? क्योंकि जब मेरी सपोज मेरी जो कोयल है, कोयल ऐसे होगी तो जो मेरा फ्लक्स है दैट्स ऑल्सो लाइक दिस, जो मेरा फ्लक्स है वो भी ऐसा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे जा रहा है। तो मेरे कोयल से कोई भी फ्लक्स कट नहीं कर रहा, माई फ्लक्स लिंकेज इज मिनिमम। मेरा जो कोयल का प्लेन है वो कहाँ है, दिस इज माई कोयल प्लेन, बीच में है जो मेरा, मैं बीच में क्या कोयल प्लेन है बिल्कुल फ्लक्स लाइन के पैरेलल। तो इसमें क्या था, मेरा फ्लक्स लिंकेज मिनिमम था। ओके अब देखता हूँ मैं ड्रॉ करूंगा अगर अपना फ्लक्स लिंकेज, तो कैसा आया था, सपोज दिस इज माई ओमेगा टी, माई फ्लक्स लिंकेज वॉज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ठीक है, क्या है, एन फेज इंटू में फाइव इज द मैक्सिमम वैल्यू, फाइव इज द फ्लक्स पर पोल, माई फ्लक्स लिंकेज इक्वल्स टू एन फेज फाइव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मैं वोल्टेज क्या थी, ई इज इक्वल्स टू, मैंने निकाला था वी ए ए डैश, ये देखा था, इट वॉज ई इज इक्वल्स टू माइनस का डी लैम्डा ए ए डैश बाई डी टी, ये सब कुछ हमने देखा था अपनी थर्ड वीडियो में। ठीक है, इट वॉज एन फेज फाइव इंटू में साइन ओमेगा टी, इंटू में ओमेगा भी था। ठीक है, और एक टर्म और थी कौन सी, डी फाइव बाई डी टी वाली, बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन मेरा जो फ्लक्स होता है क्या होता है, फ्लक्स में मैं पोल पे मैं हमेशा देता हूँ डीसी एक्साइटेशन, और जब मैं डीसी एक्साइटेशन देता हूँ तो जब मेरा फ्लक्स होता है दैट इज कॉन्स्टेंट, माई फ्लक्स इज नॉट वेरिएबल इन टाइम, सो डी फाइव बाई डी टी इज जीरो। मैं लिख दूंगा वो टर्म भी, तो दैट टर्म विल बी एन फेज कॉस ओमेगा टी इंटू में डी फाइव बाई डी टी, ये टर्म मेरा। अब इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन ऑल्टरनेटर्स, जो मैं रोटर पर सप्लाई देता हूँ, क्या देता हूँ, डीसी, डी सप्लाई मीन्स कॉन्स्टेंट वोल्टेज कॉन्स्टेंट करंट, और करंट कॉन्स्टेंट तो मेरा फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट, माई फ्लक्स इज नॉट वेरिएबल इन टाइम। मैंने आपको बताया था जो मेरा ई एम एफ है, माई ई एम एफ लैग्स द फ्लक्स लिंकेज बाई 90 डिग्री, फ्लक्स से लैग नहीं करता, फ्लक्स लिंकेज से लैग करता है, फ्लक्स लिंकेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स लिंकेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एन फेज फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी, गॉट इट। तो मैं डी फाइव बाई डी टी वाली टर्म क्या होती है, जीरो, बट माई ई एम एफ, ई एम एफ इक्वल्स टू एन फेज ओमेगा फाइव साइन ओमेगा टी। यहाँ तक आपको आपको याद होगा बिल्कुल, आई होप यू रिमेम्बर दिस वी ए डैश। ठीक है, अगर मैं अपनी इस वोल्टेज को मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर ओके अगर मैं इस वोल्टेज ड्रॉ करता हूँ, दैट विल बी साइन साइन ओमेगा टी, मीन्स यहाँ पे आएगा पीक वैल्यू, यहाँ पे ए लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, ये आ गई मेरी इंड्यूस वोल्टेज, ई इज इक्वल टू वी ए ए डैश। अब मुझे आपको क्या बताना है, याद करो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर ई, इतना याद कर लो आप। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए व्हाट इज माय वोल्टेज इंड्यूस्ड, जीरो। मेरा रोटर की पोजीशन कहाँ पे, माय रोटर इज ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल यहाँ पे एट पॉइंट टी इक्वल्स टू जीरो, माय रोटर इज हॉरिजेंटली प्लेस्ड और मेरी वोल्टेज इंड्यूस कितनी है, जीरो, गॉट इट। एट पॉइंट बी व्हाट इज माय वोल्टेज, वोल्टेज इज एट माय पीक, फ्लक्स लिंकेज क्या है, जीरो, ओमेगा टी क्या मेरा पाई बाई टू, एट दिस पॉइंट ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है मेरा पाई बाई टू। अगर आप यहाँ पे देखोगे ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, दैट मीन्स मेरा रोटर आ जाएगा घूम के यहाँ पर। अब यह तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ मैं बेसिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, और जैसा हमने पढ़ रखा वैसा ही। एट टाइम टी, इस टाइम पे एट पोजिशन बी ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, देख लो आप ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, घूम गया ना 90 एंगल से, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, माई वोल्टेज इज मैक्सिमम एंड दैट इज पॉजिटिव। तो समझ लो आप, पॉजिटिव में मेरी वोल्टेज मैक्सिमम कब हो रही है, जब मेरा नॉर्थ पोल कहाँ गया, ऑन द कंडक्टर ए, गॉट इट, क्लियर कट एकदम। ओके नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, एट पॉइंट सी व्हाट इज माई वोल्टेज, माई वोल्टेज इज जीरो अगेन, क्यों, क्योंकि एट पॉइंट सी जो मेरा रोटर है, वो मेरा रोटर वापस से घूमे कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, माई ओमेगा टी इज इक्वल टू 180, माई ओमेगा टी इज इक्वल टू 180, 180 हो गया मेरा एट पॉइंट सी, दैट मीन ओमेगा टी यहाँ तो 90 हो गया, और 90 के बाद 180 कहाँ होगा, यहाँ, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा हो गया नॉर्थ पोल, और यहाँ पे मेरा हो गया साउथ पोल, यहाँ मेरा नॉर्थ पोल आ गया, किसका नॉर्थ पोल, रोटर का नॉर्थ पोल है। ठीक है, आपको लगा हुआ स्टेटर का नॉर्थ पोल, तो मैं चेंज कर देता हूँ इसे, ये तो हो नहीं रहा, सपोज दिस विल बी माई नॉर्थ पोल देन एंड दिस विल बी माई साउथ पोल, ठीक है, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई। ठीक है, मेरा रोटर क्या है, मेरे रोटर ने हाफ साइकिल रोटेट कर ली, यहाँ से नॉर्थ स्टार्ट हुआ, नॉर्थ यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, नाउ यू कैन टेल मी एट दिस पोजिशन ए मेरा रोटर कहाँ पे है, माई रोटर इज इन इनिशियल पोजिशन, ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एट पॉइंट ए माई रोटर इज हेयर, माई रोटर इज हेयर, वेट अ सेकेंड,
जस्ट वेट अ सेकेंड। एट पॉइंट ए माई रोटर इज इन दिस पोजिशन, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एट पॉइंट बी माई रोटर इज इन वर्टिकल पोजिशन लाइक दिस। एट पॉइंट सी दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। मैं रोटर कैसे घूम रहा है, माई रोटर इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एट पॉइंट सी माई रोटर इज इन दिस पोजिशन, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। इन तीन पोजिशन को आप याद रखना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई मेरी, मेरा रोटर यहाँ पे था, नॉर्थ पोल वाज दिस साइड, साउथ पोल वाज दिस साइड, ठीक है। तो वह रोटेट हुआ पीक पे, नॉर्थ पोल पर पहुंच गया साउथ पोल। मैं आपसे बात करूं इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे क्या होगा मेरा, डी पॉइंट पे क्या होगा मेरा, डी पॉइंट होगा लाइक दिस, इट विल बी नॉर्थ पोल एंड इट विल बी साउथ पोल। ये होगा मेरा डी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है। मेरा रोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। नाउ मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो मेरी वोल्टेज इंड्यूस होती है उसका फंक्शन क्या होता है, टू अपोज द कॉज। और कॉज क्या है मेरा, जो मेरा रोटर रोटेट कर रहा है, ये तो कॉज है वोल्टेज इंड्यूस होने का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ए में क्या इंड्यूस होता है, ए में इंड्यूस होता है डॉट, ए डैश में क्रॉस। कब, जब मेरा रोटर इस पोजिशन से चला था, ए पोजिशन में जब मेरा रोटर था, जैसे ही चला था तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे इंड्यूस हुआ नॉर्थ, दैट मीन्स साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। यू कैन सी ऑल्सो यहाँ पे क्या है, मेरा करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे मेरा करंट क्या है, अंदर जा रहा है। यहाँ से करंट क्या आ रहा है मेरा, बाहर आ रहा है, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है। अगर आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से कल करोगे कि वो ए डैश से अंदर घुस रही है और ए से डॉट से बाहर आ रही है, जैसे ऐसे आप कल करोगे अपनी फिंगर्स को कि आपकी फिंगर्स डॉट वाले ए से बाहर आ रही है, तो आपका जो थंब है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, योर थंब इज पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट हैंड डायरेक्शन। दैट मीन्स मेरा फ्लक्स क्या है, यहाँ पे एंटर कर रहा है, जहाँ पे एंटर करता हूँ क्या बनता है, साउथ, जहां से निकलता हूँ क्या बनता है, नॉर्थ। ये क्या मेरा स्टेटर, ये क्या मेरा स्टेटर, नॉर्थ पोल ध्यान है आपको, साउथ पोल जाना है, ठीक है। तो मेरा करंट कैसा है, ए में डॉट, ए डैश में क्रॉस, ये भी आपको याद रखना, ए में डॉट, ए डैश में क्रॉस मेरा करंट आया, ठीक है, टू अपोज द मोशन ऑफ द रोटर, ओके। अब आपको एक याद, एक बात और याद होगी जो मैंने आपको बताई थी इन केस ऑफ, जब मैं डीसी पढ़ा रहा था आपको, डीसी मशीन, कि इन एनी मशीन वोल्टेज एंड टॉर्क आर जनरेटेड साइमल्टेनियसली, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हो बाहर। अगर आपको बाहर वोल्टेज चाहिए तो उसमें टॉर्क सप्लाई कर दो, अगर आपको बाहर टॉर्क चाहिए तो उसमें अंदर वोल्टेज सप्लाई कर दो। अब मैं आपको वही दिखाऊंगा, ये क्या मेरा जनरेटर, मैं दिखाऊंगा आपको मोटर एक्शन इन ए जनरेटर, कि इस जनरेटर में मोटर का टॉर्क कहाँ जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सी फिर डायग्राम बनाएंगे हम, सी दिस इज अ, दिस इज माई स्टेटर, ओके, यहाँ कंडक्टर ए है, यहाँ पे कंडक्टर ए डैश है, ओके, कंडक्टर ए, ए डैश हो गया मेरा, ठीक है। रोटेट कौन कर रहा है, रोटेट कर रहा है मेरा रोटर, सपोज मेरा रोटर रोटेट करते हुए आ गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माई नॉर्थ पोल एंड दिस इज माई साउथ पोल, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मेरा फ्लक्स जा रहा है इधर, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, साउथ पोल लाइक दिस, ओके। मैंने आपको बताया था टू अपोज दिस मोशन ए साउथ पोल विल बी क्रिएटेड हेयर, नॉर्थ पोल विल बी क्रिएटेड हेयर, जब मेरा रोटर इस एक्सिस से गया था, ठीक है, इसको आप भूल जाओ, अब मेरा गया है रोटर, ठीक है। एट दिस पॉइंट माई वोल्टेज एट पीक वैल्यू, माई वोल्टेज एट पीक वैल्यू, ठीक है, मेरे इस एक घंटे में करंट क्या है डॉट, यहाँ भी करंट है मेरा क्रॉस, इट इज ए जनरेटर। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस फोर्स, कौन कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आप यूज करो अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या होगा मेरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस कंडक्टर में क्या करंट है मेरा डॉट, डॉट मीन्स करंट इज कमिंग आउटसाइड। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है क्या होता है, जो थंब है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी शोन बाय द थंब, जो कि फोर फिंगर है, लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर क्या बताएगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो आपकी मिडिल फिंगर है, सेकेंड फिंगर है, वो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अब आप इस ए कंडक्टर पे अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो तो देखो आपकी फोर फिंगर कहाँ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कहाँ जा रहा है फील्ड मेरा, लाइक दिस, तो आपकी फोर फिंगर अपवर्ड, आपकी जो सेकेंड मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है वो कहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन में, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउटसाइड, दैट मीन्स आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपके मुंह की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, जो कि फोर्थ फिंगर दैट इज पॉइंटिंग अपवर्ड ऊपर की साइड, मिडिल फिंगर आपकी तरफ, तो आपका थंब कहाँ गया, थंब वेंट टू लेफ्ट वर्ड्स, थंब कहाँ गया मैं उल्टी साइड, ठीक है।
मेरा रोटेट रोटेट कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ ओमेगा। तो मेरा ए पे कहाँ फोर्स लगा? लेफ्ट साइड में। अब मुझे बताओ ए कंडक्टर कहाँ पे है? ये मेरा ए कंडक्टर है इन ए स्लॉट, और स्लॉट कहाँ पे है? वो स्टेटर पे। स्लॉट कहाँ पे है? वो स्लॉट है मेरा स्टेटर पे। क्या मेरा ए कंडक्टर फ्रीली मूव कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक स्लॉट में फिक्स्ड है। स्लॉट में अगर मेरा कंडक्टर फिक्स्ड है, इट कैन नॉट मूव। इस पे फोर्स कहाँ लगा? लेफ्ट साइड। ये रोटर मेरा लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा है इस पे। ये कंडक्टर तो घूम नहीं सकता, जब से कंडक्टर उल्टा फोर्स देगा। न्यूटन का लॉ होता है, थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। एक्शन हुआ कि इस कंडक्टर पे इधर फोर्स लगाया, इधर एक कंडक्टर मूव नहीं करा। नाउ दिस कंडक्टर विल फोर्स दिस रोटर टू गो इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द जनरेटेड टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड इट विल ट्राई टू अपोज द रोटर। इट विल द अपोजिशन, इट इज द अपोजिशन। अब जब मेरा जैसे जैसे करंट ज्यादा फ्लो होगा, मेरा मेरे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ज्यादा टॉर्क। मेरा रोटर कहाँ घूम रहा है? माय रोटर इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो मेरा जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो क्या है? इसको क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहा है इस पे। किसको ओवरकम करना पड़ेगा फोर्स? दिस फोर्स नीड टू बी ओवरकम बाय द प्राइम मूवर। जो मेरा प्राइम मूवर घुमा रहा है, उसे प्राइम मूवर को और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जितना ज्यादा करंट होगा, उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा, ये उतना ही ज्यादा रोटर को अपोजिशन देगा। ठीक है, उतना ही मेरे को प्राइम मूवर को ज्यादा पावर इनपुट देनी पड़ेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर। और मैंने आपको बता दिया उसमें मोटरिंग एक्शन कैसे हो रहा है। गॉट इट? जो मेरा जनरेटर था। नाउ सपोज अगर मेरी है एक मोटर, ठीक है, सेम केस मोटर में क्या होगा? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इन केस ऑफ मोटर करंट की रिलेशन होगी रिवर्स। अगर मैं जनरेटर में एक करंट दे रहा था बाहर, तो मोटर में क्या होगा? ये करंट लेगा। दिस इज माय रोटर, दिस इज माय रोटर, ओके, नॉर्थ साउथ उसी पोजीशन में जिसमें जब मेरा जनरेटर में ए में से करंट आ रहा था बाहर, अब ये क्या है? ए में से जा रहा है और ए डैश में से करंट मेरा आ रहा है। ओके, और मैंने क्या दिया यहाँ पे? मैंने एक सप्लाई दी है प्लस लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से मेरा करंट जा रहा है इनटू द कंडक्टर। ठीक है, अब पहले तो मुझे बताओ आप मेरा ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो सीधी सी बात है, मैंने करंट डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में मैं पहले रोटेट कर रहा था उसी डायरेक्शन में अभी भी रोटेट करेगा। कैसे? आप निकालो यहाँ पे, मेरा करंट डायरेक्शन पता है आपको? करंट तो पता लग गया, करंट इज गोइंग इनवर्स। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया नॉर्थ साउथ, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया। फोर्स किससे निकालोगे आप? फोर्स निकाल के आपके पास आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जब भी आपको फोर्स निकालना होता है तो क्या होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और वोल्टेज निकालनी होती तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अपोजिट क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों का एक्शन क्या? अपोजिट। एक तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर रहा है। तो इनवर्स फिनोमेना। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इस रोटर पे कितना फोर्स लग रहा है? कैसे निकालूंगा मैं? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या करना है? आपकी फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कहाँ जा रहा है मेरा? फ्लक्स जा रहा है मेरा लाइक दिस। आपकी फोर फिंगर इस डायरेक्शन में जा रही है फ्लक्स की में। ठीक है, आपकी मिडिल फिंगर कहाँ जाएगी? मिडिल फिंगर दिखाएगी आपकी करंट की डायरेक्शन को इन द कंडक्टर ए। अब कंडक्टर ए में करंट जा रहा है इनवर्ड इन टू द कॉइल, यहाँ से अंदर जा रहा है। दैट मीन्स आपकी जो सेकंड फिंगर है, मिडिल फिंगर है, वो कहाँ जाएगी? इन टू द कॉइल। तो अगर थंब गया, आपका थंब गया राइट वर्स, आपका थंब डायरेक्शन ये आई, आप चेक कर सकते हो। फोर फिंगर ऊपर की तरफ, मिडिल फिंगर इन टू यूर मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन, आपका थंब गया लेफ्ट वर्ड। दैट मीन्स जो मेरा एक कंडक्टर है इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट वर्ड। अब कॉन्सेप्ट आता है वही, मेरा कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है? मेरा कंडक्टर चुपचाप एक स्लॉट में बैठा हुआ है। क्या ये स्लॉट इस कंडक्टर को मूव करने देगा? नेवर। दिस स्लॉट विल नॉट लेट द कंडक्टर मूव। कंडक्टर मूव नहीं करेगा। तो रोटर ने लगाया कंडक्टर के पास किधर फोर्स? लेफ्ट वर्ड। कंडक्टर मूव नहीं कर सकता तो ये क्या करेगा? ये उल्टा राइट वर्ड फोर्स लगाएगा ऑन द रोटर एंड माय रोटर विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। माय रोटर विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। यू कैन सी अगर मेरा जनरेटर और मोटर में करंट रिवर्स हो जाता है, मेरी डायरेक्शन रोटेशन क्या है? सेम, बस करंट रिवर्स हुआ है। ये हो गया मेरा मोटर। अब मैंने आपको बताया हुआ है इन एनी मशीन वोल्टेज एंड टॉर्क आर जनरेटेड। अगर आप वोल्टेज दोगे तो टॉर्क आउटपुट ले लो, और अगर आप टॉर्क का इनपुट देते हो तो आप वोल्टेज का आउटपुट ले लो। गॉट इट? अब देखते हैं इसी चीज को हम आगे। अब मुझे देखना है कि इसमें जनरेटेड वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी। सी, जब भी मुझे जनरेटेड वोल्टेज निकालना तो किससे निकालूंगा मैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओ, आपकी फोर फिंगर कौन सी होती है? पहली वाली उंगली जो होती है, छोटी पहली वाली उंगली होती है वही फोर फिंगर। थंब के बाद जो पहली उंगली आती है, ठीक है, तो मेरे फोर फिंगर वो क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। आपका थंब क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब बताओ
देखो मेरा जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ जा रहा है, माई नॉर्थ पोल इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं कंडक्टर पे बैठा हूँ, अगर मैं कंडक्टर के ऊपर बैठा हूँ तो मुझे नॉर्थ पोल कहाँ जाता हुआ दिखेगा, लेफ्टवर्ड। अगर मैं मान लूँ कि मेरा जो पोल है इट इज स्टेशनरी, तो कंडक्टर कहाँ जा रहा है, कंडक्टर का जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पोल कहाँ है, राइट वर्ड्स। मेरा अगर पोल इधर जा रहा है, सपोज ऐसा है, देखो ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, मेरा पोल है, मेरा पोल इधर जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये मेरा कंडक्टर होगा, यहाँ पे मेरा पोल होगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरा पोल यहीं पे रहा, मेरा कंडक्टर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, सेम केस है ना। अगर मेरा नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, आई कैन से माई पोल इज गोइंग लेफ्ट वर्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर, और आई कैन से माई कंडक्टर इज गोइंग राइट वर्ड विद रिस्पेक्ट टू पोल। जो मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाता हूँ उसमें मेरा थंब बताता है ना, वो थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर पोल का नहीं बताता, कंडक्टर का बताता है। आप अपना राइट हैंड यूज करो, आपकी फोर फिंगर गई फ्लक्स की डायरेक्शन में ऊपर, आपका थंब गया राइट डायरेक्शन में, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। दैट मीन्स जो मेरी जनरेटेड वोल्टेज है, मेरा जनरेटेड जो करंट है वो है यहाँ पे डॉट, आपकी तरफ आ रही थी ना फिंगर, डॉट यहाँ पे क्या है मेरा क्रॉस, यहाँ पे क्या है मेरा क्रॉस, गॉट इट। अब देखो मैंने करंट तो क्या अप्लाई किया है, मेरा करंट इसमें क्रॉस है, मैं इसमें करंट को अंदर इंजेक्ट कर रहा हूँ, बट जो वोल्टेज अंदर जनरेट हो रही है, जो मुझे अपोजिशन दे रही है क्या है, डॉट। दैट मीन्स अंदर जो वोल्टेज जनरेट हुई है दैट इज ट्राइंग टू पुल द पुश द करंट आउटवर्ड्स, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा सोर्स लगा के उस करंट को अंदर पुश कराना है। सो दिस वोल्टेज प्रोवाइड्स मी द अपोजिशन, दिस वोल्टेज प्रोवाइड्स मी द अपोजिशन, सो इट इज द जनरेटर एक्शन इन द मोटर। ये हम ऑलरेडी डीसी मशीन में कर सकते हैं, मैंने आपको फिर भी एक बार और करा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्लश आउट हो जाए। जनरेटर एक्शन इन ए मोटर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, क्रिस्टल क्लियर एकदम, कंफ्यूजन हो ही ना। जनरेटर एक्शन इन ए मोटर, और मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको मोटर एक्शन इन ए जनरेटर की, टॉर्क जनरेट हो रहा है, और टॉर्क जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दैट इज अपोजिंग द मोशन, मोटरिंग एक्शन इन ए जनरेटर, मोटरिंग एक्शन इन ए जनरेटर, ठीक है। ये हुआ पॉइंट खत्म, अब स्टार्ट करते हैं अपना आर्मेचर रिएक्शन प्रॉपर। ध्यान रखना ये वाली वोल्टेज की वेवफॉर्म, ए पोजीशन कौन सी है मेरी, जो मेरे नॉर्थ साउथ है रेड वाले, जो रेड वाले नॉर्थ साउथ है, दिस इज द पोजीशन ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीक कब आया मेरा, पीक आएगा मेरा जब जब मेरा नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे, इट इज इन द स्ट्रेट पोजिशन, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आर्मेचर रिएक्शन। व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर एमएफ ऑन द मेन फील्ड एमएफ इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। मेन फील्ड कौन सा, जो मेरा फील्ड फ्लक्स का, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सेलेंट पोल एज्यूम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्थ में होगा हो गया सिलेंड्रिकल पोल, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेलेंट पोल मैंने इसलिए वो किया एज्यूम ताकि आपको ट्रेलिंग पोल टिप और लीडिंग पोल टिप आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे, ओके। बस वही रीजन, बाकी कोई रीजन नहीं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बस मुझे फ्लक्स चाहिए वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। सपोज मैं पहला केस लेता हूँ, मैंने बताया था आपको कि हम अलग अलग पावर फैक्टर करेंगे। सपोज माई फर्स्ट केस इज इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर, इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। अब मैं फ्लक्स लिंकेज ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं क्या ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ द इंड्यूस वोल्टेज डायरेक्टली, आई विल ड्रॉ द इंड्यूस वोल्टेज डायरेक्टली। ये क्या मेरी वोल्टेज इंड्यूस ऐसी थी बिल्कुल, ई ए ए डैश इज इक्वल टू एन पी एच फाइव ओमेगा साइन ओमेगा टी, एनी डाउट। अगर मेरा इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर है, दैट मीन्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द इंटरनल वोल्टेज इज जीरो, मीन्स जो मेरा इंटरनल करंट है वो भी क्या है, ऐसा ही है बिल्कुल, लाइक दिस, लाइक दिस। दैट मीन्स दोनों की पीक क्या है, एक ही टाइम पे आ रही है। अब ध्यान रखना, जब भी मैं आर्मेचर रिएक्शन की बात करूंगा तो जब भी मैं कंडीशन देखूंगा ना, तो मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा करंट क्या है, पीक वैल्यू पे, मेरा करंट क्या है, पॉजिटिव पीक वैल्यू पे है, ठीक है। सपोज दिस इज माई, दिस इज माई स्टेटर, ठीक है। यहाँ मेरा क्या है, एक स्लॉट है उसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है ए, यहाँ मेरा एक दूसरा स्लॉट है उसमें कंडक्टर रखा हुआ है ना ए डैश, ठीक है। जब भी मैं आग खोलूंगा, आई विल एज्यूम माई करंट इज एट पॉजिटिव पीक, जब यहाँ पे क्या है स्टार डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यही होता है मेरा, लाइक दिस, दिस इज माई वोल्टेज वी ए ए डैश, गॉट इट। यहाँ तो कोई डाउट आपको, मैंने बोल दिया जब भी मैं अपने जनरेटर को देख रहा हूँ, माई करंट इज एट पीक वैल्यू, जब भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन देख रहा हूँ मैं, जैसे ही मुझे निकालना है आर्मेचर रिएक्शन, मैंने देखा तो मेरा जो करंट है वो पीक पे, कहाँ पे मेरा करंट, यहाँ पे इस पोजिशन में मेरा क्या है, करंट पीक पे, दैट मीन्स आई एम एट पाई बाई टू। अब मुझे बताओ आप, पाई बाई टू पे मेरी वोल्टेज क्या है,
वोल्टेज मेरी पीक पे है, दैट मीन्स इस कंडीशन में मेरी वोल्टेज पीक पे है। और वोल्टेज पीक में कब होती है, जब मेरा आर्मेचर कहाँ पे होता है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मेरा आर्मेचर, ओ सॉरी आर्मेचर नहीं, रोटर यहाँ पे है। इस केस में मेरा रोटर कहाँ पे, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, और फिर वापस से जीरो पे, फिर से ऐसे है मेरा रोटर लाइक दिस, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। इफ यू फॉरगेट दिस, सी दिस, जब मेरी वोल्टेज पीक है तो मेरा रोटर कैसा है मेरा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और वैसे पीक वोल्टेज कब जनरेट होगी, जब मेरा नॉर्थ यहाँ पे होगा साउथ यहाँ पे होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज माय नॉर्थ एंड दिस इज माय साउथ, ठीक है। काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बस नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, सारे के सारे नोट्स में अवेलेबल है, बस सुनते जाना, अपने माइंड में लॉक करते हुए जाना पॉइंट्स को, ठीक है। अब इस कंडीशन में मेरा क्या है, रोटर यहाँ पे है, ठीक है, मैं डॉट यहाँ पे आया, क्रॉस यहाँ पे आया। अब पहले आप मुझे बताओ कि जो मेरा स्टेटर है, स्टेटर में कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर है तो इनसे एम एफ बनेगा, और एम एफ बनेगा तो इनसे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आएगा। ओके ओके टेल मी वन थिंग, यहाँ पे क्या है डॉट, यहाँ पे क्या है क्रॉस। अगर मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूँ कि डॉट से क्या करंट निकल रहा है, माई फिंगर्स आर कमिंग आउट अबव द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यहाँ पे इस डॉट पे मेरी फिंगर्स बाहर आ रही है, तो अब थम कहाँ गया, अब थम गया राइट वर्ड डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में मेरा क्या है, फाई ए आर, आर्मेचर फ्लक्स, मेरा इस डायरेक्शन में क्या हो गया, आर्मेचर फ्लक्स, जो आर्मेचर कंडक्टर की वजह से आया है, ठीक है, ये हो गया मेरा आर्मेचर फ्लक्स। टेल मी वेयर विल बी माई फील्ड फ्लक्स, मेरा जो फील्ड है नॉर्थ यहाँ पे साउथ यहाँ पे, तो फील्ड फ्लक्स कहाँ पे होगा, माई फील्ड फ्लक्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये हो गया मेरा फील्ड फ्लक्स, फाई एफ, फाई एफ कह लो या फिर एफ एफ कह लो या फिर एफ ए आर कह लो, जो आपकी मर्जी आप वो कह लो, ठीक है। फाई एफ, वट विल बी माई रिजल्टेंट फ्लक्स, एक मेरा एफ एफ है, एक मेरा एफ ए आर है, माई रिजल्टेंट विल बी, इन दोनों को आप ज्वाइंट कर सकते हो लाइक दिस, माई रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी हेयर, दिस इज माई रिजल्टेंट फ्लक्स एफ आर, दिस इज माई रिजल्टेंट फ्लक्स। वट इज एफ आर, एफ आर नथिंग बट एफ एफ प्लस में एफ ए आर। आप बताओ, अब देखो बहुत सारे टर्म्स आपको पहले से पता है, ये मेरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, डी मैग्नेटाइजिंग है। देखो जो मेरा मेन फील्ड है वो कहाँ पे है, इस डायरेक्शन, जो मेरा मेन फील्ड फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में है, और जो मेरा स्टेटर का जो फील्ड है वो कहाँ है, आर्मेचर, स्टेटर मीन्स आर्मेचर का जो मेरा फ्लक्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इन दिस डायरेक्शन, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, देयरफॉर इट इज प्योर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, इट इज प्योर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, देयर इज नो डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। आप बताओ मुझे, जो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कहाँ गया, मैं रिजल्टेंट फ्लक्स शिफ्टेड बैकवर्ड, मेरी डायरेक्शन रोटेशन क्या है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर आपको, अब मैं बात करूँ अगर अपने किसकी, जो क्यू एक्सिस होता है, जो मेरा क्यू एक्सिस होता है, अगर मैं अपने क्यू एक्सिस की बात करूँ, तो जब मेरा ओनली फील्ड फ्लक्स एप्लीकेबल था, जब मेरा ओनली फील्ड फ्लक्स एप्लीकेबल था, तो क्या था मेरा फील्ड, एफ एफ ओनली, नॉर्थ साउथ, जब मेरे आर्मेचर में कोई भी करंट नहीं था, तो क्या फील्ड था, जो मैंने रोटर पे लगाया, तो मेरा जो क्यू एक्सिस होगा वो कहाँ पे होगा, माई क्यू एक्सिस विल बी समवेयर हेयर, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, मेरा क्यू एक्सिस कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्यू एक्सिस पहले केस में। अब जब मेरा आर्मेचर में भी आया, जब मेरा आर्मेचर में भी फ्लक्स आया, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा जो नेट फ्लक्स है वो शिफ्ट कर गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मेरा नया क्यू एक्सिस कहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स लाइंस, दिस इज माई न्यू क्यू एक्सिस क्यू टू, दिस इज माई न्यू क्यू एक्सिस, दिस इज कॉल्ड क्यू टू, गॉट इट। क्या है मेरा, माई एम एन ने मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर आपको डीसी जनरेटर याद हो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, अगर आपने रिवाइज किया अच्छे से डीसी जनरेटर, उसकी आर्मेचर रिएक्शन में भी इन केस ऑफ जनरेटर एम एन ने शिफ्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर भी डाउट है तो आप नोट्स खोल कर देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे बताओ, ये मेरा एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, एक मेरी इसकी ये पोल टिप है, एक मेरी ये पोल टिप है, ये मेरा क्या है, आर्मेचर कंडक्टर। ट्रेलिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था डीसी के केस में, सपोज दिस इज माय नॉर्थ पोल, दिस इज माय साउथ पोल, ये मेरा क्या है, आर्मेचर कंडक्टर। अगर मेरा आर्मेचर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो पोल की टिप आर्मेचर के कंडक्टर सबसे पहले आती है, वो कौन सी होती है, लीडिंग पोल टिप, और जो पोल टिप आर्मेचर कंडक्टर से बाद में मिलती है, इसने तो पहले मीटिंग बिठा ली अपनी, आते ही मिल लिया है, तो चालाक था ये वाला टिप, तो इसलिए इट इज लीडिंग पोल टिप।
और जो पोल टिप मेरे बाद में आती है इससे मिलने कंडक्टर से, ये इट इज कॉल्ड ट्रेलिंग पोल टिप। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मशीन, चाहे मेरी डीसी मशीन है या डीसी जनरेटर है या मेरा इंडक्शन जनरेटर है या मेरा सिंक्रोनस जनरेटर है, इन केस ऑफ ए जनरेटर द ट्रेलिंग पोल टिप इज ऑलवेज मैग्नेटाइज, द फ्लक्स डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस एट द ट्रेलिंग पोल टिप इज रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मशीन। जनरेटर एक्शन जब भी पॉसिबल होता है जब मेरी ट्रेलिंग पोल टिप क्या होगी, मैग्नेटाइज, जब मेरी ट्रेलिंग पोल टिप क्या होगी, मैग्नेटाइज। तो देखो आप मेरा रोटर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा क्या है, आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर से पहले कौन सी टिप मिली इस नॉर्थ पोल की, कौन सी टिप पहले आर्मेचर कंडक्टर से मिली होगी जब मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इन दिस डायरेक्शन, जो मेरी ये वाली टिप है, ये वाली, दिस मेटेड अर्लियर टू द आर्मेचर कंडक्टर, इट इज कॉल्ड लीडिंग पोल टिप। बाद में किसका नंबर आएगा, जो मेरी ट्रेलिंग पोल टिप है पीछे वाली, ठीक है, दिस इज माई ट्रेलिंग पोल टिप। एंड यू कैन सी जो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स आया है, जो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स आया कहाँ पे आया, वो ट्रेलिंग पोल टिप पे, दैट मीन्स माई ट्रेलिंग पोल टिप विल बी सैचुरेटेड, और यही एक जनरेटर के लिए ट्रू कंडीशन है, माई ट्रेलिंग पोल टिप इज ऑलवेज सैचुरेटेड, ऑलवेज सैचुरेटेड। गॉट इट? क्या कोई डीमैग्नेटाइजेशन हुआ है? नहीं, वो थोड़ा सा होगा सैचुरेशन वजह से, उसको हम नेगलेक्ट कर दें तो मेरा क्या हुआ, इट इज प्योर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग 90 डिग्री पे, क्यों, इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर था, इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स मेरा जनरेटर कैसे सप्लाई कर रहा है करंट को, एट द यूनिटी पावर फैक्टर, ये समझ लो आप अभी के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स मेरा जनरेटर यूनिटी पावर फैक्टर पे दे रहा है, इट इज प्योर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, व्हाट इज एफ आर, एफ आर इज रिजल्टेंट इक्वल टू एफ एफ प्लस में एफ ए आर, एफ ए आर क्या मेरा, एफ ए आर इज द आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है, जो कि आया मेरा आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से जो मेरा आया, ठीक है, ओके। मैंने आपको एम एन एम दिखा दिया, एम एन ए शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द रोटेशन, देखो पहले क्यू वन कहा है, पहले क्यू वन है बाद में क्यू टू, पहले क्यू वन पे था मेरा एम एन ए बाद में क्यू टू, और रोटेट कैसे कर रहा है मेरा रोटर, माई रोटर इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज और अपोजिट डायरेक्शन, मेरा एम एन ए रोटेट करा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यही होता है मेरे जनरेटर में, और इनके साथ जनरेटर द ट्रेलिंग पोल टिप इज मैग्नेटाइज, और याद रखना इरेस्टेटर मशीन बस याद रखो जी टी, जी टी नाम याद रखो, जनरेटर में ट्रेलिंग पोल टिप मैग्नेटाइज होती है, बस एक याद रख लो, वैसे वैसे क्या होगा मोटर में, मोटर में क्या हो जाएगा लीडिंग पोल टिप, बस एक याद रख लो जी टी, गॉट इट। ये था मेरा जनरेटर में इंटरनल यूनिट पावर फैक्टर पे क्या था, क्योर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अब मैं आपसे बात करूं मोटर की, तो मैंने आपको ऊपर दिखाया था मोटर जनरेटर में कितना फर्क है, बस जब मेरा पोल यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे क्या है, ये क्या है क्रॉस, सॉरी डॉट दे रहा है, जनरेटर करंट को आउटवर्ड फ्लो करा रहा है ए में, लेकिन मोटर होती तो क्या होता क्रॉस, एट दिस टाइम देयर विल बी ए क्रॉस, ठीक है। अब मैं देखूंगा इस कंडीशन में मेरा क्या हुआ आर्मेचर रिएक्शन, इस डायग्राम को ऐसे ऐसे कैसे उठा लेते हैं, उठा लें क्या, नहीं दूसरा बना लेते हैं क्विकली, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस 5 सेकंड की बात है, ए कंडक्टर, दिस इज माय ए डैश, ओके, ए में क्या मेरा क्रॉस, ए डैश में क्या मेरा डॉट, रोटर कहाँ मेरा, माई रोटर इज हेयर, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मेरा अगर यहाँ पे मेरा डॉट है, यहाँ पे मेरा क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस मीन्स करंट इज गोइंग इनवर्ड्स, डॉट मीन्स करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स, करंट इज कमिंग आउटवर्ड। अगर आप इस क्रॉस में अपनी फिंगर्स को, ठीक है, मैं राइट हैंड रूल लगवा रहा हूँ आपसे, राइट हैंड थंब रूल, अपनी फिंगर्स को इस क्रॉस में अंदर घुसाओ, अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे ऐसे पॉइंट करो, आपका थंब कहाँ है, राइट हैंड रूल यूज करना है, आपका थंब पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट मीन्स दिस इज द माई एफ ए आर आर्मेचर कंडक्टर, जो मेरा फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा, मैंने बस बहुत बड़ा दिखा दिया है, इट विल बी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल माई एफ ए आर, मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई थी, वेयर इज द माई मेन फील्ड फ्लक्स, माई मेन फील्ड फ्लक्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ है साउथ है, तो इट विल बी गोइंग आउटवर्ड, सो ये होगा मेरा मेन फील्ड फ्लक्स, दिस इज माई मेन फील्ड फ्लक्स, एफ एफ, एफ एफ इज माई मेन फील्ड फ्लक्स। अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट देखूं, मैं दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो क्या आएगा मेरा, दिस इज द नेट फ्लक्स एफ आर और रिजल्टेंट फ्लक्स, दिस इज माई रिजल्टेंट फ्लक्स, ओके, दिस इज माई एफ आर। नाउ टेल मी कैसा इफेक्ट है मेरा, दिस इज माई, दिस इज माई एफ ए आर, ये मेरा एफ ए आर है, ये मेरा ये एफ ए आर है, ये एफ एफ है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है डीमैग्नेटाइजिंग है, इट इज प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, प्लस क्या मेरा ये भी इंटरनल यूनिट पावर फैक्टर है, क्योंकि जब मैंने देखा करंट मेरी पीक पे था,
जब मैंने इस पॉइंट पे देखा तो मेरा करंट क्या है, करंट मेरी पीक वैल्यू पे है, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो रोटर है मेरा इस पोजिशन में, वर्टिकल पोजिशन में, ताकि वोल्टेज यहाँ पे पीक पे हो, इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर, इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर हो गया ये मेरा। द आर्मेचर रिएक्शन इज प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और अब आप मुझे बताओ इनमें से ये क्या थी मेरी टिप, मैं रोटेट कहाँ पे कर रहा है, इट इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। कोई डाउट हो तो यहाँ पे देख लो, मैंने बताई थी यहाँ पे डायरेक्शन रोटेशन क्या होगी इन दिस डायरेक्शन। सी हेयर, ये देखो मेरी मोटर है, मैंने करंट सप्लाई किया, ए में क्रॉस है, ए डैश में डॉट है, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, रोटेशन कहाँ है, रोटेशन इज इन क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके, ये मेरा यहाँ पे हुआ आ गया। सो यू कैन सी हेयर रोटेशन कहाँ मेरी, ओमेगा इधर है, तो ये क्या मेरी, इट इज माई ट्रेलिंग पोल टिप, क्योंकि ये ए कंडक्टर के पास बाद में पहुंच रही है, दिस इज माई लीडिंग पोल टिप, लीडिंग ये मेरी ट्रेलिंग पोल टिप। आप बताओ जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, लीडिंग पे गया ट्रेलिंग पे, इट वेंट टू लीडिंग, दैट्स माई 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 लीडिंग पोल टिप विल बी मैग्नेटाइज, लीडिंग पोल टिप विल बी मैग्नेटाइज, लीडिंग पोल टिप विल बी मैग्नेटाइज। प्लस एक बात और बताओ आप मुझे, मैंने आपको पहले बताया डीसी मशीन में इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडक्शन मशीन और अल्टरनेटिंग मशीन और डीसी मशीन, कैसी भी मशीन हो, इन केस ऑफ मोटरिंग एक्शन माई लीडिंग पोल टिप इज सैचुरेटेड, माई लीडिंग पोल टिप इज मैग्नेटाइज और सैचुरेटेड, ठीक है, माई लीडिंग पोल टिप इज मैग्नेटाइज और सैचुरेटेड, मैग्नेटाइज और सैचुरेटेड इज इन ए मोटरिंग मोड। ठीक है, एक चीज बताओ, जब मेरा पहले आर्मेचर में कोई भी करंट नहीं था तो क्या फ्लक्स होगा मेरे फील्ड में, ओनली एफ एफ, यही होगा, तो मेरा एम एन ए कहाँ पे होगा, माई एम एन ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, एम एन ए और क्यू एक्सिस कहाँ होता है मेरा, क्यू एक्सिस, माई क्यू एक्सिस इज ऑलवेज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स। ये सारी चीजें क्यू एक्सिस, डीमैग्नेटाइजिंग, लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप, मैंने सारी की सारी डीसी मशीन से बहुत आराम से कराई हुई है, मैं फिर भी आपको बेसिस बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार डीसी मशीन से लेक्चर, पहले डीसी मशीन कंप्लीट कर लो, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद सिंक्रोनस पर जाना, ठीक है, इट इज माई क्यू एक्सिस और एम एन ए। ठीक है, फर्स्ट केस में जब मेरा आर्मेचर में भी करंट आना स्टार्ट हो गया, जब मेरा आर्मेचर में करंट आना स्टार्ट हो गया, नेट बिकम एफ ए आर आ गया, नेट कहाँ आया, नेट यहाँ पे आया, द नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो अब मेरा एम एन ए कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर टू द न्यू फील्ड लाइंस, इट विल बी हियर माई क्यू टू। नाउ यू कैन सी कितना हो गया मेरा, इट शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन बाय एन एंगल थीटा, रोटेशन कहाँ है मेरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माई एम एन ए शिफ्टेड ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन केस ऑफ मोटर एम एन ए शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एम एन ए शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये भी मैंने आपको बताया था, चाहे डीसी मशीन हो कौन सी भी मशीन हो, एम एन ए शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर ए मोटर, और जनरेटर में क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ऐसा क्यों होता है, कि मैंने क्यों बोल दिया कि जनरेटर के केस में जो मेरा मैग्नेटाइजेशन है वो ट्रेलिंग पोल टिप पे होता है। देखो जहां पे मेरा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ट्राई करेगा कि इस पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा यहाँ पर है, इसका मतलब माई दिस मैग्नेटिक फील्ड विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस पोल टुवर्ड्स हेयर, दैट मीन्स जो मेरा अंदर से टॉर्क जनरेट हो रहा है क्या कर रहा है, वो इसको बुला रहा है इधर, कि इधर आ तू, बट मेरा प्राइम मूवर क्या है, उसको रोटेट करा रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन केस ऑफ जनरेटर जो मेरा टॉर्क जनरेट होता है दैट इज प्रोवाइडिंग अपोजिशन, वो मैं बाहर से अपने रोटर को रोटेट करा रहा हूँ। ठीक है, मैं रोटर पे रोटर फोर्स लगा रहा हूँ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मुझे बुला रहा है, मेरे फ्लक्स डेंसिटी है ये इस नॉर्थ पोल को हमेशा पीछे खींच रहा है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगा के अपने रोटर को आगे आगे घुमाए जा रहा हूँ, इट इज द ऑपरेशन ऑफ द जनरेटर। सिमिलरली इन मोटर जो मेरा इलेक्ट्रिक है, जो मेरा इलेक्ट्रिक चीज है, जो मेरा इलेक्ट्रिक पावर है, उससे मेरा क्या कंडक्टर में करंट आया, तो इससे क्या मेरी फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे आ गई, इट विल ट्राई टू पुल द रोटर हेयर, बट इसमें अपोजिशन कौन लगाएगा मेरा, जो मेरा लोड टॉर्क है, लोड टॉर्क चाहेगा कि ये रोटर वापस आए, ये रोटर वापस आए, रोटर को ये चाहेगा कि रोटर वापस आए, बट जो मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो मेरे क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या कर दिया, आगे कर दिया सिर्फ, इससे मेरा ये फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे आ गई, इट विल कंसिस्टेंटली लगातार इस रोटर को अपनी तरफ पुल करती रहेगी, कि मेरा रोटर इस शेप में आ जाए, लाइक दिस, ऐसे आ जाए, ऐसे रोटर आ जाए मेरा। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज, दिस बैटल इज ऑलवेज गोइंग इन द अपोजिशन एंड द सपोर्टिंग फोर्सेस। ओके, आई होप यू गॉट द क्लियर आइडिया ऑफ द इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर एंड आर्मेचर रिएक्शन इन दिस केस। अब मैं अगर आपसे बात करूं इन केस ऑफ जनरेटर, एक केस और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, टाइम देख लेते हैं एक बार।
या अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल सॉरी पावर फैक्टर इज भाई जीरो पावर फैक्टर लैग इन ए सिंक्रोनस जनरेटर और ऑल्टरनेटर। मैंने आपको बोला है, जब भी मैं आंख खोलूंगा, वेन एवर आई ओपन माई आईज आई फाइंड द करंट एट इट्स पीक वैल्यू इन केस ऑफ जनरेटर। ये क्या मेरा ए, ये क्या मेरा ए डैश। ए में क्या करंट होता है मेरा डॉट, ए डैश में क्रॉस, लाइक दिस। ओके, अब मेरा क्या है, जीरो पावर फैक्टर लैग। लैग मीन्स, जीरो पावर फैक्टर मीन्स माई कॉस फाइव इक्वल टू जीरो, फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। जीरो पावर फैक्टर लैग मीन्स माई करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। अगर मैं अब अपनी वोल्टेज बनाता हूं लाइक दिस, मेरी वोल्टेज कहां पे थी, मेरी वोल्टेज थी यहां पे लाइक दिस, ठीक है। मेरा करंट क्या होगा, माई करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो मैं अब करंट ड्रॉ करता हूं, अगर मेरा करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, दैट मीन्स जो मेरा करंट है वो अपनी पीक वैल्यू पे वोल्टेज के 90 डिग्री बाद पहुंचेगा। मेरी वोल्टेज पीक पे कब पहुंची, मेरी वोल्टेज पीक पे पहुंच गई पाई बाई टू पर। ओके, तो करंट कहां पीक पे पहुंचेगा, करंट पहुंचेगा पाई पे पीक पे, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, पीक पे पहुंच गया लाइक दिस, ऐसा होगा मेरा करंट। इफ यू एनी डाउट इन दिस लाइक दिस, ठीक है। अगर मेरी वोल्टेज पाई बाई टू पे पीक पे पहुंचती है तो मेरा करंट कैसे पीक पे पहुंचेगा, पाई पे। इट इज कॉल्ड 90 डिग्री लैग, करंट 90 डिग्री लैग देन द वोल्टेज, देन द वोल्टेज। अब मैंने आपको बोला हुआ है ऑलरेडी, जैसे ही मैंने आंख खोली मेरा करंट किस पे, पीक पे, मेरा करंट किस पे, पीक पे। दैट मीन्स आई एम हेयर, आई एम हेयर, आई एम एट पाई, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई की बात कर रहा हूं मैं, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब जो मेरी वोल्टेज की पीक है वो ऑलरेडी आके जा चुकी है। दैट मीन्स पहले मेरा नॉर्थ पोल यहाँ पे था, तो यहाँ पे आ गया, वोल्टेज की पीक आ गई पाई बाई टू, ये यहां से आके जा चुका है, यहाँ पे आ गया। माय रोटर इज एट दिस पोजिशन। अगर इस चीज में आपको अभी भी कोई डाउट हो तो मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देता हूँ, दो तरीके, दो मेथड से क्लैरिफाई कर सकता हूँ मैं इसे। ओमेगा टी क्या है इस टाइम पे, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई। अब आप ऊपर एक डायग्राम देखना, अगर वो डायग्राम मिटा ना हो तो, ये तो मिट गया, ठीक है। सी ओमेगा टी क्या है मेरा, पाई। मैंने आपको पहले ही बताया था जो मेरा रोटर है वो यहां से रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। इस पोजिशन में क्या था मेरा, ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस पोजिशन पे आया तो क्या बना मेरा, नॉर्थ पोल यहाँ पे आया मेरा, दिस इज माय साउथ पोल। इट इज ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये जब फर्दर रोटेट करेगा तो वहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आएगा मेरा साउथ पोल। तो क्या बन गया मेरा, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई आ गया। दैट मीन जब मेरा ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई है उस पे मेरा करंट अगर पीक पे जा रहा है तो उस टाइम वोल्टेज क्या, जीरो। और मेरी ये क्या है, दिस इज द पोजिशन ऑफ द रोटर, दिस इज द पोजिशन ऑफ द रोटर। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे, सी हियर, जो मैंने इसकी वेव फॉर्म बनाई थी एक बार, लोड होने देता, सी हियर, ये मेरा रोटर था एट टाइम ओमेगा टी इक्वल्स जीरो, ओमेगा टी इक्वल्स जीरो, रोटर मेरा यहाँ पे नॉर्थ साउथ। पीक पे जब मेरी वोल्टेज है, जब मेरी वोल्टेज पीक पे तो रोटर यहाँ है, जब मेरी वोल्टेज वापस से जीरो पे आई एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, रोटर कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि आप इन पोजीशंस को याद रखना, जो ये जिम वाले डंबल से बने रखे हैं ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सी हियर, सी हियर, क्या मेरा नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे। टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय द आर्मेचर करंट। यहाँ पे क्या है, डॉट, यहाँ पे क्रॉस, सेम ही होगा, यहाँ पे डॉट यहाँ पे क्रॉस है, तो मेरा इंड्यूस्ड फील्ड करंट होगा, दैट विल बी लाइक दिस एफ ए आर, दिस इज माई एफ ए आर। लेकिन जो मेरा फील्ड फ्लक्स है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ मीन्स यहाँ पे होगा, माई फील्ड फ्लक्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माई एफ एफ, दिस इज माई एफ एफ, फील्ड फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या होगा मेरा, आप बताओ, जो मेरा फील्ड फ्लक्स है वो तो लग रहा है एफ एफ इस डायरेक्शन में, आर्मेचर कहाँ है, एफ ए आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो मेरा नेट आएगा, माई नेट विल बी समवेयर हेयर, एफ रिजल्टेंट, वट इज माई एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ एफ माइनस में एफ ए आर, एफ एफ माइनस में एफ ए आर, ये होगा मेरा एफ रिजल्टेंट। वट इट इन दिस केस यू कैन, आई कैन टेल यू, जो मेरा रिजल्टेंट है दैट इज लेस देन एफ एफ, और आई कैन से एफ एफ इज ग्रेटर देन एफ आर, ठीक है। अगर आप यहां से देखोगे तो जो एफ एफ क्या है, एफ एफ मीन्स फील्ड फ्लक्स, अप्लाइड फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू
एफ आर प्लस में एफ ए आर, दैट इज माई फील्ड फ्लक्स इज ग्रेटर देन एफ आर. एफ आर क्या मेरे मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स इन द मशीन, माई रिजल्टेंट फ्लक्स इन द मशीन वो है मेरा एफ आर. अगर मेरा अप्लाइड फ्लक्स, इफ माई अप्लाइड फ्लक्स इज मोर देन द रिजल्टेंट फ्लक्स, आई कॉल ओवर एक्साइटेड मशीन, ओवर एक्साइटेड जनरेटर. मैं जनरेटर कैसी बात कर रहा हूँ, तो ओवर एक्साइटेड जनरेटर, इट इज माई ओवर एक्साइटेड जनरेटर. आर्मेचर रिएक्शन कैसी है मेरी, टेल मी व्हाट इज द काइंड ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. इट इज डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग, डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हो रही है मेरी, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फ्लक्स के आर्मेचर फ्लक्स, डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन. टेल मी वन मोर थिंग, क्या मेरा एमएनए शिफ्ट करेगा इस केस में. देखो बिफोर अप्लाइंग एनी लोड, बिफोर अप्लाइंग एनी करंट इन द आर्मेचर सर्किट, एमएनए कहा था मेरा एफ एफ के परपेंडिकुलर. अब क्या होगा बाद में क्या होगा, एफ आर के परपेंडिकुलर सेम, दैट मीन्स माई एमएनए डू नॉट शिफ्ट एनीवेयर. आई होप दिस ऑल पॉइंट्स आर क्लियर. क्या मेरा ओवर एक्साइट, ओवर एक्साइट कब होगा, जब भी मेरा अप्लाइड एक्साइटेशन, वेन एवर माई अप्लाइड एक्साइटेशन इज ग्रेटर देन द रिजल्टेंट एक्साइटेशन ऑफ द मशीन, ग्रेटर देन द रिजल्टेंट एक्साइटेशन ऑफ द मशीन, माई मशीन इज ओवर एक्साइटेड, माई मशीन इज ओवर एक्साइटेड. तो मेरा जनरेटर है अगर वो जीरो पावर फैक्टर पे करंट दे रहा है तो इट इज ओवर एक्साइटेड. ठीक है, अब मैं एक बार और एक्साइटेशन की बात करूंगा आपसे, ठीक है बाद में. ठीक है, नाउ टेल मी, अगर मैं आपने मोटर की बात करूं तो क्या होगा मेरा, मोटर में क्या चेंज होता है, डायरेक्शन क्या है सेम, पोल क्या है सेम, बस क्या चेंज होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इफ आई सी माई जीरो पावर फैक्टर लैग, जीरो पावर फैक्टर लैग इन ए मोटर, इन ए मोटर हो गया मेरा आर्मेचर, दिस इज ए, दिस इज ए डैश. ओके, ए में क्या होगा मेरा क्रॉस, ए डैश में मेरा क्या होगा डॉट, जो मेरा रोटर है वो बिल्कुल यहीं पे होगा एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई. करंट क्या है मेरा जीरो पावर फैक्टर, दैट मींस 90 डिग्री लैग कर रहा है, मेरी वोल्टेज तो पहले ही निकल के आ गई बट करंट मेरा अब पीक पे पहुंचा है. गॉट इट, अभी तो कोई डाउट नहीं. व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स, देखो यहाँ पे मेरा क्या है क्रॉस, यहाँ पे क्या डॉट. अगर आप क्रॉस में उंगली घुसाओगे, फिंगर्स को, चार की चार फिंगर्स को आप क्रॉस में डालो, ठीक है, तो अब फ्लक्स कहाँ आएगा, अब फ्लक्स आएगा थंब पॉइंट रहेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो दिस विल बी योर, दिस विल बी योर फाई ए आर, दिस विल बी योर फाई ए आर. और मुझे बताओ जो मेरा फील्ड फ्लक्स है, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, तो मेरा फील्ड फ्लक्स कहाँ होगा, मेरा फील्ड फ्लक्स भी होगा इसी डायरेक्शन में फाई एफ, फाई एफ कह लूंगा मैं एफ एफ या फिर एफ ए आर. ठीक है, जो नोटबुक में हो गया एफ की नोटेशन में एफ 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 ए आर. देखो मेरा आर्मेचर फ्लक्स भी यहीं पे है, मेरा फील्ड फ्लक्स भी यहीं पे है. नाउ टेल मी क्या होगा मेरा नेट, नेट विल बी हियर एफ आर, माई नेट इज एफ आर इज इक्वल्स टू एफ एफ प्लस में एफ ए आर. माई नेट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स इन द मशीन विल बी एफ एफ प्लस एफ ए आर. आई कैन टेल दैट माई एफ एफ इज लेस देन एफ आर, मीन्स माई अप्लाइड फ्लक्स, माई अप्लाइड फील्ड इज लेस देन द रिजल्टेंट फील्ड इन द मशीन, दैट मीन्स इट इज अंडर एक्साइटेड. मैंने ये डेफिनेशन बताई थी आपको, अगर अप्लाइड एक्साइटेशन ज्यादा है रिजल्टेंट एक्साइटेशन इन द मशीन से तो ओवर एक्साइटेड, अप्लाइड एक्साइटेशन इज लेस देन द रिजल्टेंट एक्साइटेशन इन द मशीन इट इज अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड मशीन, और मेरी मोटर क्या है अंडर एक्साइटेड. अब एक सबक मिला मुझे यहाँ पे, अगर मेरा जीरो पावर फैक्टर लैग है, जीरो पावर फैक्टर लैग है तो मेरा जनरेटर कौन से मोड में है, माय जनरेटर इज इन ओवर एक्साइटेड स्टेट, ओवर एक्साइटेड स्टेट. मेरी मोटर किस में है, माय मोटर इज इन अंडर एक्साइटेड स्टेट, अंडर एक्साइटेड स्टेट. टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जनरेटर, जनरेटर काम क्या होता है, मेरा जनरेटर का काम होता है टू सप्लाई करंट, टू सप्लाई पावर, टू सप्लाई करंट. मेरा मोटर का काम क्या होता है टू एब्जॉर्ब करंट, मीन्स ये करंट लेती है मेरी मोटर तो, ठीक है, टू एब्जॉर्ब करंट. अब मैं बात करता हूँ जीरो पावर फैक्टर की, दैट मीन्स जो मेरा जनरेटर सप्लाई कर रहा है करंट वो क्या कर रहा है, आई एंगल माइनस 90 का सप्लाई कर रहा है, इट इज सप्लाइंग लैगिंग करंट, इट इज सप्लाइंग लैगिंग करंट. और लैगिंग करंट सप्लाई कर रहा है इसका मतलब इट इज सप्लाइंग लैगिंग पावर, माई जनरेटर सप्लाइंग लैगिंग पावर. ओके,
मैं मोटर की बात करूं, अगर मेरी मोटर क्या है, एक एब्जॉर्ब कर रही करंट, कितना लैगिंग करंट एब्जॉर्ब कर रही है, दैट मीन्स इट इज एब्जॉर्बिंग लैगिंग करंट, एब्जॉर्बिंग लैगिंग करंट, 0 पावर फैक्टर लैग मीन्स जो करंट जा रहा है मोटर में, मोटर में क्या है, मोटर का काम है करंट लेना, ठीक है, इट विज ऑलवेज टेक द करंट, इट इज एब्जॉर्बिंग लैगिंग करंट, ठीक है, दैट मीन्स इट इज एब्जॉर्बिंग लैगिंग पावर, इट इज एब्जॉर्बिंग लैगिंग पावर, ठीक है। मेरा जनरेटर जो है वो 0 पावर फैक्टर में सप्लाई कर रहा है लैगिंग पावर, मेरी मोटर क्या है, लैगिंग पावर एब्जॉर्ब कर रही है, क्यों। अब मैं इसका एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ आपको याद रखने के लिए, ओवर एक्साइटेड मीन्स एक मेरी मशीन में क्या है, ओवर एक्साइटेशन मीन्स इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटेशन, तो क्या करेगा ये हमेशा लैगिंग पावर सप्लाई करेगा। अगर मेरी मशीन ओवर एक्साइटेड है तो ये हमेशा लैगिंग पावर सप्लाई करेगी, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो। मैं आपको फिर से प्रूफ दूंगा इसका जब मैं 0 पावर फैक्टर लीड के डायग्राम बनाऊंगा, ओके। अगर मेरी मोटर अंडर, मोटर है या मेरा जनरेटर है, अगर वो अंडर एक्साइटेड है मीन्स उसके अंदर बेचारे के अंदर पहले ही एक्साइटेशन कमी है, दैट मीन्स उसके पास एक्साइटेशन कमी है, दैट मीन्स लैगिंग पावर की कमी है, कमी है तो वो क्या, वो बाहर से हमेशा लैगिंग पावर लेगा। इस आइडियोलॉजी को याद रखना, इंटरव्यूज के लिए प्लस एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, इट इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रूफ देखूंगा मैं इसका, वो देखूंगा मैं 0 पावर फैक्टर लीड पे, एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलरेडी टाइम इज एनफ, अभी के लिए इतना ही, बट इसको रिवाइज करना, कुछ भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।